बरकत अता फरमाए और रहम टीवी चैनल में जितने भी अफराद पोषे है अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए और उसको खूब तरक्की अता फरमाए। सवाल यह है कि एक घर है मस्जिद के ऊपर बना हुआ जो 4 साल से बंद है, तो वो वहाँ पर रहने के लिए कह रहे हैं, तो क्या वहाँ रहना रह सकते हैं कि मेरी बहन ये बताए। बहुत शुक्रिया जी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। इन्होंने मस्जिद के ऊपर घर में रहने के लिए पूछा। जी हाँ, तो मस्जिद के ऊपर जो घर बना हुआ है, अगर वो बाकायदा शरी मस्जिद है और उसके ऊपर घर बना हुआ है, तो फिर तो जाहिर है वो घर जो है ना वो भी मस्जिद के हुक्म में होगा। लिहाजा जब मस्जिद के हुक्म में है तो आपको मस्जिद के पूरी जो शरायत आदाब का लिहाज रख के रहना पड़ेगा, लिहाजा जाहिर इन आदाब का लिहाज रखना आसार नहीं है, इसलिए जो घर उसके ऊपर रहना जो है वो फिर जायज़ नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद जो है सातों ज़मीनों से नीचे, सातों ज़मीन आसमानों से ऊपर तक ये मस्जिद के हुक्म में हो जाती है। लिहाजा उसके ऊपर अगर घर है तो आप फिर आम माहौल की तरह जो है उसके ऊपर नहीं रह सकते, बल्कि मस्जिद ही की तरह आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है वो करना बहुत मुश्किल। लेकिन अगर वो कहने में मस्जिद है लेकिन है वो मुसल्ला, जाए नमाज है, एक जगह लोगों ने बना ली है किराए की जगह मसलन, तो मुसल्ला बना लिया, ऊपर घर है, उसमें बिल्कुल आप रह सकते हैं, वहाँ अपने आप घर के माहौल की तरह रह सकते हैं, वहाँ मस्जिद की कोई शरारत नहीं होगी, कि वो कहने में लोग उसको मस्जिद बोलते हैं। जैसे यहाँ अमरीका वगैरह में बहुत सी जो मस्जिदें, मस्जिदें हकीकी शरी मस्जिदें नहीं हैं बल्कि वो मुसल्ले हैं, लिहाजा उन पर मस्जिद के अहकाम नहीं आते, उसके ऊपर रिहायश रख सकते हैं, कोई मज़ाक नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।